पता है दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा रिश्ता कौन सा होता है? हमारा और भगवान का, क्योंकि वह वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हमारे लिए क्या अच्छा है यह हमसे ज्यादा उनको पता है। रिश्ता कोई फल नहीं जो मन में आया और तोड़ दिया। कोई भी रिश्ता अचानक से नहीं टूटता, टूटने से बहुत दिन पहले ही वह कमज़ोर हो जाता है, तब जाकर टूटता है। सामने वाला हमको क्या समझता है यह जानना भी ज़रूरी है, नहीं तो हम रिश्ते संभालने में लग जाते हैं और वह शतरंज की चालें चलता है। कभी जिंदगी में ज़बरदस्ती किसी का साथ मत मांगना। अगर कोई खुशी खुशी मदद का हाथ आगे करे तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। अगर वादों को ना निभाओ तो वह बुरी यादों में तब्दील हो जाती हैं, और वादे इंसान तोड़ता है और यादें इंसान को तोड़ती हैं। बहुत ही प्यारी बात, आप ज़्यादा दूर का नहीं सोचो, पर जितनी आपकी कार्य क्षमता है इतना सोचकर अपने कार्य को अंजाम ज़रूर दो। जब भी आप कुछ करने की ठान लेंगे पहले तो लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे यह कहकर कि यह सब बकवास है, फिर वह आप पर हंसेंगे यह सोचकर कि ये क्या कर रहा है, फिर वो आपसे लड़ेंगे यह कहकर कि ये क्यों कर रहा है, और फिर एक दिन यही लोग चुप हो जाएंगे, तब आप जीत चुके होंगे, सफल हो चुके होंगे। असली खुशी हमें जब होती है जब हम कुछ सोच समझकर करते हैं और उसमें सबकी सहमति होती है। आपका रहन सहन पहनावा कैसा भी हो मगर अपनी आत्मा और दिल को हमेशा साफ रखो। अगर किसी का दर्द महसूस ना कर सको तो कभी किसी को दर्द मत देना। हर इंसान को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना वह तुम्हें पछताने का मौका ज़रूर देगा। तूफान क्या होता है यह तूफान में घिरा हुआ इंसान ही बता सकता है, अर्थात जिस पर परेशानी पड़ती है उसी को पता होता है। किनारे पर बैठकर भाषण देना बहुत आसान होता है।